वेलकम अगेन एवरी वन। टूडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक रिप्रोडक्शन प्लांट। दियो में जैसे हमने किया था कि रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में, तो प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होती है। बिकॉज प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो लेट्स स्टार्ट। बट इज प्लांट रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द प्लांट्स दैट आर कॉल्ड प्लांट रिप्रोडक्शन। सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। वन आर्टिफिशियल एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन इसकी क्या है? द न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ए फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, और ये एसेक्सुअल होती है, ये सिंगल पेरेंट से होती है। और इनमें डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में? क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नेचुरली होती है, बट जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन है होती तो ये भी सिंगल पेरेंट से होती, ये भी एसेक्सुअल, बट इसमें क्या है कि ये आर्टिफिशियल करवाई जाती है ह्यूमन के द्वारा। और ये कितने टाइप की होती है? ये फाइव टाइप की होती है। देयर फाइव टाइप: कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। कटिंग क्या होती है? ये तीन टाइप की होती है कटिंग की: स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। आगे जो स्टेम कटिंग होती है, आगे इसकी भी फोर टाइप्स होती है: हर्बेशियस कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग एंड हार्डवुड कटिंग। ये जो स्टेम कटिंग होती है ये मेनली हर्ब्स प्लांट में होती है, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना हर्बेशियस, जैसे रोज में, रोज फ्लावर में, ग्रेप्स में होती है, ग्रेप वाइन होती है जो, फिर शुगर केन में होती है, सिट्रस में होती है। और ये ना जो होती है इसमें क्या होता है कि स्टेम को कट करके और सॉइल में ग्रो करवाया जाता है। आगे जो रूट कटिंग है, इसको पूरे प्लांट के साथ, रूट के साथ ही निकाल के सोइल में ग्रो करवा देते हैं। और जो लीफ है वो ना लीफ का एक छोटा सा पार्ट कट करके, जब लीफ से एक कैक्टस होता है, कैक्टस के जो लीफ होता है उसमें बर्ड निकलती है, उस बर्ड को कट करके जब हम सोइल में ग्रो करवाते हैं तो उसको लीफ कटिंग बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल है जैसे कैक्टस बिगोनिया और अफ्रीकन वायलेट। और रूट कटिंग की एग्जाम्पल है रसबेरी, ब्लैकबेरी, वाइन, रोज। और अगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है? ये ग्राफ्टिंग मेनली डाइकोट प्लांट्स में होती है। इसमें क्या होता है? द स्टेम ऑफ वन प्लांट फिक्स्ड ऑन अनदर प्लांट दैट हैविंग रूट। एक प्लांट के स्टेम को दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ फिक्स्ड किया जाता है कि जिसकी रूट्स होती हैं। फिर क्या है? इसमें एग्जाम्पल आ जाती है रोज, एप्पल, एवोगाडो और मैंगो। इसमें ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रो करते हैं एक सिंगल प्लांट में। इसका एक बेनिफिट है कि अगर एक रोज़ फ्लावर रेड कलर का है और हम चाहते हैं कि एक ही प्लांट पे दो कलर के फ्लावर लगे, रेड भी लगे और वाइट भी लगे, तो हम क्या करेंगे? उसकी ग्राफ्टिंग करेंगे। वो जो एक रेड वाला है उसका हम क्या करेंगे? उसकी हम स्टेम को कट करेंगे और उसमें फिक्स कर देंगे रेड वाले, वाइट रोज वाली स्टेम को रेड रोज वाले, वो जिसकी रूट होंगी उस वाले प्लांट में अटैच कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फिर क्या होगा? एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर हमें देखने को मिलेंगे। आगे नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग दैट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच कंटिन्यू रीजनरेशन ऑफ सेल्स एट वन स्पेसिफिक साइट ऑन बॉडी ऑफ प्लांट इन विच बर्ड ऑफ वन प्लांट इज इंसर्टेड इन टू द सेकेंड प्लांट। इसमें क्या होता है? एक वन प्लांट की जो बर्ड होती है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है सेकेंड प्लांट में जिसकी रूट होती है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे चेरी, पोटैटो, ओनियन, एप्पल, सिट्रस फ्रूट और नट। आप पोटैटो को भी देखते हो, अगर पोटैटो घर में बड़ा बड़ा वो खराब होने लगता है तो उसमें बर्ड से निकलने लगती है ना ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी। अगर हम उस बर्ड को कट करके सोइल में ग्रो करवाएंगे तो एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। आगे इस बडिंग की भी टाइप्स होती हैं। ये बडिंग टी टाइप बडिंग होती है, इन्वर्टर टी बडिंग होती है, पैच बडिंग, रिंग बडिंग, चिप बडिंग, फोर कट बडिंग। इनमें क्या होता है कि कट लगवाया जाता है ना, वो अलग अलग टाइप का लगाया जाता है बडिंग में। किसी में टी कट लगाया जाता है, किसी में रिंग कट, चिप कट, पैच कट। आगे नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है? सो वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ एन
प्लांट इज पुल्ड डाउन इन टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद मोस्ट सॉइल इन सच ए वे दैट द टिप ऑफ ब्रांच रिमेन अबव द सर्फेस। इसमें एक जो छोटी सबसे लास्ट वाली ब्रांच होती है ना एक एक प्लांट की, उसको ना जमीन में ऐसे लेटा दिया जाता है और उसका जो ऊपर वाला टिप वाला पार्ट है वो ऊपर ही रहे, बट जो मिड वाला पार्ट है वो जमीन के नीचे पूरा आ जाए। फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद जब जो सॉइल में पार्ट होता है उसमें रूट्स ग्रो करने लग जाती हैं, फिर उसको पेरेंट प्लांट से कट कर देते हैं और न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, स्पाइडर प्लांट, जैस्मिन। ये लेयरिंग भी आगे टाइप की होती है, टिप लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग एंड ए लेयरिंग। जो सिंपल, कंपाउंड और माउंड लेयरिंग होती है इसमें क्या होता है, स्टेम से न्यू रूट ग्रो करती है स्टेम से, बट ए लेयरिंग में क्या होता है, रूट फॉर्म अबव द सॉयल सर्फेस, ये सॉयल सर्फेस के ऊपर रूट ग्रो करती है, को हम माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। इट इज़ अ टेक्निक इन विच फ्रेगमेंट ऑफ वन प्लांट आर कल्चर्ड एंड ग्रो इन ए लेबोरेटरी। इसमें क्या करते हैं, हम किसी प्लांट के छोटे से पार्ट को लेकर उसको लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं। आगे इसकी भी टाइप्स होती हैं, इसकी टाइप होती हैं सिक्स टाइप की होती हैं ये, सीड कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, कैलस कलर कल्चर, ऑर्गन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड एंथर कल्चर। हम किसी भी पार्ट को, सीड को लेकर, एम्ब्रियो के लेकर, किसी भी पार्ट को, प्लांट के लेकर हम इन सिक्स टाइप में से ग्रो करवा सकते हैं प्लांट को। और फिर आ जाते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है। इसके सिग्निफिकेंस एक तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, हमें जो प्लांट चाहिए जैसा चाहिए वैसा ही हमें मिलता है, और इनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होती है, जो हम हमें करेक्टर चाहिए प्लांट में वही वही हम बना सकते हैं। ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी को हम ओवरकम कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट्स, जो सीडलेस प्लांट है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं हम प्लांट को। फिर हमें न्यू प्लांट्स मिलते हैं, न्यू न्यू वैरायटी के प्लांट मिलते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है प्लांट्स की। सो इसमें हमने आज क्या किया, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। सो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।